जैन साथियों, आज हम आए हैं पंडित मादत स्कूल धौलपुर। तो हम आपको मिलाने जा रहे हैं एनसीसी थर्ड ऑफिसर राशिद खान। सर, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय निकाला। थैंक यू सो मच। सर, हम आपसे कुछ थोड़े से सवालात करेंगे, तो आप उनके जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हो। आप दो तो बढ़िया है, नहीं दो तो बढ़िया है। आपकी ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती हो किसी से कि हम सवाल करें और आप जवाब दो, ऐसा नहीं है। सर, आप एनसीसी में इससे पहले भी आप थर्ड ऑफिसर बने हैं, इससे पहले भी आपने एनसीसी में अपनी सेवाएं दी थी, तो थर्ड ऑफिसर बनने के बाद में आपको कैसा महसूस हुआ? मैंने स्कूल लेवल में जूनियर डिवीजन एनसीसी का मैं कैडेट था नेवल विंग से, और इसी संस्थान से मैं 2017 से जुड़ा हुआ हूँ और 2018 से एनसीसी संस्थान में चल रही है। तो एक मानता हूँ मैं कि बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बदलाव आए हैं, कि अपने कैरेक्टर को लेकर डेवलपमेंट हुआ। एक आप बोल सकते हो कि एक पर्सनली मतलब मेरा डेवलपमेंट हुआ, जिसमें मैं आज देख रहा हूँ एक एनसीसी कैडेट से लेकर एक एनसीसी थर्ड ऑफिसर तक का सफ़र। तो मेरे लिए एक अच्छा सफ़र रहा है और बहुत चीज़ें मुझ में चेंजेस आई हैं। जी सर, हमारी यही कामना है कि आप एनसीसी में और भी आगे जाएं और एनसीसी को बहुत नेशनल लेवल पर लेके जाएं और इंटरनेशनल लेवल पर भी आप कैंप का प्रतिनिधित्व करें। तो हमारी आपके लिए यही कामना है। सर, आपको एनसीसी में आने के बाद यहाँ पे जो संस्था के प्रमुख हैं पंडित मादत स्कूल के, तो उन्होंने किस बारे में आपसे बातें की और एनसीसी के बारे में क्या सोचते हैं वो? क्या एनसीसी के बारे में वो आपकी मदद करते हैं? बिल्कुल करते हैं, उनका हमेशा पॉजिटिव व्यू रहता है। और आज जो भी कैडेट्स और हम में जो डेवलपमेंट है वो उन्हीं की देन है। और आप देख सकते हैं ऑफिस देख सकते हो यहाँ के कैडेट्स के बारे में, आप जो अभी आपने पहले भी अपने वीडियो में बात करी थी यहाँ के एनसीसी कैडेट से, तो मतलब उनका हमेशा सपोर्ट रहा है हर एक्टिविटीज़ के लिए। जहाँ बच्चे कैंप के लिए भी जाते हैं तो उनमें भी वो सपोर्ट करते हैं, मतलब कोई रोक टोक नहीं है। वो चाहते हैं कि बच्चे और ज़्यादा डेवलप हों और अच्छे से नेतृत्व करें, स्कूल का नाम नेशनल लेवल पर रोशन करें। जी सर, आपके जो कैडेट हैं उनसे भी हमसे मुलाकात हुई और हमने उनसे बातें की, तो आप हमें ये बताइए कि आप कैडेट्स को नेशनल लेवल के लिए जो आरडीसी कैंप होता है उसके लिए तैयारी कराते हैं? हाँ बिल्कुल कराते हैं सर। लास्ट ईयर हमारे दो कैडेट्स कल्चर एक्टिविटीज़ में आरडी के लिए सेलेक्ट भी हुए थे, जो प्री आरडी कैंप होता है आपका जयपुर के लिए। कोटा में उनका सिलेक्शन ट्रायल चला था 10 दिन का, उसके बाद में वो दो कैडेट्स हमारे सेलेक्ट हुए थे, पर किसी कारणवश उनकी मेडिकल प्रॉब्लम के कारण वो कैंप अटेंड नहीं कर पाए। और हमारी हमेशा कोशिश रही है कि हमारे बच्चे नेशनल लेवल के कैंप अटेंड करें। अभी कुछ महीने पहले मई में भी हमारे बच्चों ने एक नेशनल लेवल का कैंप अटेंड कराया, ट्रैकिंग कैंप अमरकंटक MP में। जी सर, मैं आपको बता दूँ जो आईडीसी कैंप होता है उसके लिए 4 प्री आईडीसी कैंप होते हैं। उसके लिए पहला कैंप होता है बटालियन लेवल का, दूसरा कैंप होता है हेडक्वार्टर लेवल का, और तीसरा आईजीसी और चौथा आईजीसी। जो चौथा कैंप होता है वो फाइनल कैंप होता है, उसमें सिलेक्शन होने के बाद में आईडीसी के लिए दिल्ली जाते हैं, तो वहाँ पर आईडीसी कैंप होता है राजपथ पर। उसमें कई प्रोग्राम्स होते हैं, तो उनमें कल्चर है, IIP है, बेस्ट कैडेट अवार्ड है, ये बहुत सारे हैं राजपथ के लिए प्रोग्राम होते हैं, उनमें आप जा सकते हो। तो आप एनसीसी में जाने के लिए किसी भी संस्था से जुड़ सकते हो, एनसीसी में जहाँ पे जिस संस्था में एनसीसी हो, कॉलेज स्तर पे जुड़ सकते हो, स्कूल स्तर पे जुड़ सकते हो। कॉलेज स्तर पे SD SW जुड़ते हैं और स्कूल स्तर पे JD JW। तो सर, आप RDC के लिए तैयारी कराते हो, आपके यहाँ से दो कैडेट गए, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो अभी जो प्री-RDC कैंप स्टार्ट होने जा रहे हैं राजस्थान में, तो आप उनके लिए कैडेट्स को भेजना चाहोगे? हाँ जरूर भेजेंगे। इस बारी हमारी वही कोशिश रहेगी कि हमारे कैडेट्स आरडी कैंप के लिए सेलेक्ट हो, प्री आरडी के लिए, और हम उसी चीज प्रक्रिया में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं हम अपने कैडेट्स को। एक्चुअली क्या होता है, आरडी कैंप में जूनियर डिवीजन का जो कैडेट्स होता है वो बैट्स कैडेट्स के लिए जा सकता है और कल्चर एक्टिविटीज़ के लिए जाता है, वो ड्रिल के लिए नहीं जा सकता। तो हमारा फोकस यही है कि हमारा स्कूल से एक कोई जो भी कैडेट्स जाए वो बैट्स कैडेट या कल्चर एक्टिविटीज़ के लिए सिलेक्शन हो उसका, और वो नेशनल लेवल पर स्कूल का नाम रोशन करें। जी सर, नेशनल लेवल पर स्कूल का नाम रोशन करेंगे, तो स्कूल का नाम क्या धौलपुर का, और हमारी जो यूनिट है शिक्षराज इंडिया कंपनी भरतपुर, तो उसका भी नाम रोशन होगा। नेशनल लेवल पर जाने के लिए तो बहुत सारे
ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से आप जा सकते हो। एनसीसी में आने के बाद आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और आप एकदम आप शरीर फुर्तीला और मजबूत हो जाएगा एनसीसी में आने के बाद। आप एनसीसी ज्वाइन करो, हमारी आपके लिए यही शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।